So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Falu. So yeah, today I am going to Jamalpur in Jagannath Mandir. So मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ. ऐसे मैं रथ यात्रा तो देखी हुई है बट मंदिर में फर्स्ट टाइम विजिट करने वाली हूँ आज. और मेरा ये ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था बट मेरी मम्मी बोले कि इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं तो विजिट करने जा रहे हैं तो एक्सप्लोर तो कर लोगों को क्या है क्या नहीं वहाँ पे. सो अभी बज रहा है दोपहर का 2 एंड मौसम थोड़ा अच्छा है पर मेरे को स्वेटिंग की प्रॉब्लम है. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं और मैं वहाँ से मेरी मतलब मासी और मेरी सिस्टर वगैरह वहाँ से उनको आगे पिकअप करना है. तो फटाफट निकलते हैं और जल्दी जल्दी पहुँच के आपको बताते हैं आगे का सीन. फाइनली हम निकल चुके हैं निराली. यहाँ पहुँचते पहुँचते अराउंड 3 बज गया है. अब निकल रहे हैं, उन लोगों को ले लिया, वो लोग आ रहे हैं. अब जाते हैं सीधे डेस्टिनेशन पे ही मिलते हैं बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है. सो बाय. यहाँ पर सन्नाटा है और 3-4 दिन बाद यहीं से ही निकलेगी रथ यात्रा. तो वो ब्लॉग भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ बट तब तक के लिए ये ब्लॉग तो देख ही लेना. और हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और यहाँ से रथ यात्रा आएगी और इस जगह जाएगी. और ये सिर्फ इतनी सी जगह है बट यहाँ से फिर भी निकलेगी. तो ये नोटिस कर लेना जगह, मैं आपको यहीं से ही बताऊँगी उस दिन भी. तो चलिए अब फाइनली चलते. फाइनली मंदिर के मतलब अंदर आ चुके हैं. बहुत पैर जल रहे हैं. चलते अंदर. थके हारे बैठे हैं ऊपर का पेड़. आज कम भीड़ है बिकॉज है ना यहाँ पर ऐसे 9 जो 3 बड़ी मूर्तियाँ हैं श्री कृष्ण सुभद्रा और बलराम की वो भी होती है. बट अभी ये लोग बोल रहे हैं कि वो उनके मामा के घर शायद ऐसे कुछ गई हुई है इसलिए वो अभी है नहीं. वो शायद 2 तारीख को सुबह पता नहीं कब आएगी, ये तो मुझे पता नहीं, मैं पूछ के बताती हूँ. फटाफट चलिए आगे. यहाँ पर मिल रही है मालपुए की प्रसादी. तो भीड़ देखो इसके लिए. और मतलब आपको अगर कुछ दान भी करना हो लाइक मूंग ऐसा कुछ तो आप कर सकते हो यहाँ पर. तो इसकी भीड़ देखो और यहाँ पर मस्त मालपुए का प्रसाद मिल रहा है. मेरे को देख सकते हो मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है और स्वेटिंग तो पूछो ही मत इतनी हो रही है. और फिर भी हम लोग तो नहीं, ये लोगों को देखो पीछे मालपुए का प्रसाद लेने के लिए खड़े. गर्मी से हो रही है, वैसे तो मौसम ओपी है बट फिर भी गर्मी से होती हुई हालत ख़राब. और दर्शन कर लिए हमने. वो बड़े वाले तो है थे नहीं भगवान, मतलब भगवान तो थे ही पर जो मेन मूर्तियां हैं जो रथ यात्रा में निकलेगी वो उनके मामा के घर गई है. मैंने पूछ लिया, कंफर्म कर लिया है. तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं हाथी जो उस दिन निकलने वाले हैं वो. तो चलिए तो ये हो रहे अभी हाथी डेकोरेट. ये उस दिन तो ये होते हुए हाथी डेकोरेट देखो. ये आपने देखा, मैं लास्ट घर आ चुकी थी उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी. बट जितना भी था देखा आपने. एंड अब मिलते रथ यात्रा वाले व्लॉग में.
एक तारीख को है तो मैं समथिंग 2 तारीख तक पोस्ट करूँगी। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा एंड आप भी कभी ना कभी तो गए होंगे, और नहीं गए तो प्लीज़ ज़रूर जाकर आइए, बहुत मज़ा आता है। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।